गाइस हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे ही रहो, कपड़े चेंज नहीं करोगे शायद ये शो फिर से हो सकता है। वंस मोर इतिहास में पहली बार ये होने जा रहा है, आपको वही महफिल का मजा मिलने वाला है कि दो शोज हो रहे हैं बैक टू बैक, सेम गा, मीन सेम एवरीथिंग, एंजॉय द शो। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग, तो आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस मैं बस निकल चुका हूँ अपने शो की तरफ, 3:45 पे अपनी रिहर्सल शुरू हो जाएगी। तो आज जो शो करने जा रहे हैं हम, वो करने जा रहे हैं हम तरुण तेलियानी के लिए। तो चलो पहुँचते हैं वहाँ पे। बाकी जो चैनल पर अभी नया है सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं पहुँच चुका हूँ और तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब। तो ये वाले डिज़ाइनर है आज के। तो गाइस ये रहने वाला आज का रैम देख रहे हो अपने हरजी भाई। हाँ जी सर, कैसा होने वाला शो क्रेजी होने वाला भाई, बहुत बड़ा होने वाला शो। आज मैं पासेस का ट्राई कर रहा था बट भाई कोई पास अवेलेबल नहीं है। जो सामने सूट में ये हमारे कोरियोग्राफर है, ये है। कैसे हैं आप? देखिए ये हमारे राजा जी। राजा अरे पास तो आजा। और सुनाइए दुबे जी कहाँ है? दुबे जी आने वाले हैं। दुबे जी हमेशा लेट रहते हैं, मॉडल हैं वो। आज हम हमारा लास्ट शो है, यानी आज हमारी विदाई होगी। अरे भाई हर्ष भाई, अरे इधर आओ। इनसे तो आप मिलते ही है डेली, क्योंकि यही हमें बचाते हैं लास्ट में। आज तो पूरी एनर्जी में हूँ। आज फुल साया मेरे अंदर जा चुका है। आज अच्छा प्रभ भाई नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाइए। ये देखो ऐसे किया और सीधा ऐसे घुमा दिया, अभी ऐसे ये बस अभी भी ये राजा जी भी बात यही कर रहे थे, भैया आप कैसे घुमा लेते हो, उनका प्रैक्टिस बहुत। अरे कुणाल दादा कैसे हैं? सबको सलाम। सर इतना चमकोगे तो कैमरा ही खराब हो जाएगा। कैसे हैं आप? अच्छे सब बढ़िया। अरे प्रकाश जी हमारे आनंद भाई जी पहुँच गए। हेलो भाई, इंडिया कुटीर वीक तरुण तेलियानी शो। दुबे जी आज पूरे यूनिफॉर्म में आए हमारे। और सुनाइए सर। बढ़िया बिंदा, आप बताओ। आप बढ़िया जी, बढ़िया। गाइस अपना खाना यहाँ पे है आज जी। नमस्कार, थैंक यू। तो आज का हमारा लंच ये रहने वाला है। कुछ दानिश भाई भी मिल चुके हैं। और दानिश भाई कुछ बताओ, कैसे आपके शो रहे, कैसा रहा? मेरे दो चार शोज रहे हैं, बहुत अमेजिंग रहे हैं। और स्पेशली अब मेरा और एक शो है तरुण तेलियानी, मेरा भी बहुत सपना है और जिनका ही। अच्छा फ्यूचर मतलब नहीं जरूर अच्छा है भाई, फिटनेस में मैं भी हूँ साथ ही साथ, मतलब अभी जो ना टाइम है। नहीं कोई नहीं, टाइम दो, आराम से सोच के मार्केट स्ट्रॉन्ग करके मार्केट को पढ़ो। हाँ, तो गाइस रोल अच्छा था, रोल खाकर अब पानी तो पीना बनता है, बहुत ज़रूरी है। पानी क्या करेगा आपकी बॉडी को, थोड़ा बॉडी को ताज़ा भी रखेगा, करो ताज़ा हाइड्रेट रखो। ये होने वाला अपना बैक स्टेज, यहाँ से अपनी एंट्री होगी आज। इस हमारे साउथ भाई पहुँच चुके हैं। थोड़ा लेट आता हूँ, लाइफ में कभी भी कुछ करना है ना तो लेट आओ, नज़रों में ज़्यादा आओ। ये बात भी इन्होंने तरीके से बोली, लेकिन ये ना हैंडल कर लेते हैं, आप लेट मत होना। तो गाइस बस अभी इंतजार कर रहा हूँ रिहर्सल का, तो रिहर्सल शुरू होने वाली है बस थोड़ी देर के अंदर। यहाँ पे अभी सेटअप वेटअप चल रहा, देखो कितने सारे लोग लगे हुए हैं शो को तैयार करने में, कि ताकि शो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। दादा कहाँ जा रहे हैं? मैं एक प्राइवेट काम करने जा रहा हूँ। प्राइवेट काम, ओके। आपने कहा था बचपन का शौक था और इस बार टुडे तरुण इज द ग्रेटेस्ट डिजाइनर, इज वेरी स्वीट गाय, हिज वॉइस इज सो स्वीट एंड हिज डिजाइंस आर इनक्रेडिबल, सो गाइस वॉच एंड वेट अंटिल वी गेट रेडी। मैंने कहा था ना आपको कुछ अलग होने वाला है आज। बेनिया मेंटू या ओके अपना मेकअप चल रहा है। तो हमारा मेकअप आज कर रहे हैं इज़ू राइट। ओके दिख रहा कि मेरी आंखें लाल है, तो मुझे लगता है मुझे आई कुल डालना पड़ेगा। मेकअप डन, ब्लॉग रुकना नहीं चाहिए, सब याद रहेगा। तो शुरू हो गई है, मैं तो मेकअप पे था वहाँ पे। तो गाइस फाइनल रिहर्सल शुरू हो गई है।
तो सर हम आपको अब दिखाएंगे बैक स्टेज क्या होता है. बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, बहुत ही प्यारा क्लासिकल म्यूजिक है. फ्यूजन द ड्रम्स देखो ना, मिक्स क्लासिकल. And then he has a top light and come down. Backstage design team and Bhavna, you have to work. First round of rehearsals ka. और जी ठीक है, बढ़िया बढ़िया. आप सुनाइए. टर्न बेड भाई, ये अभी आप देख रहे हो ये पार्ट एक है. इसके बाद एक और सेक्शन होगा पर उसमें गर्ल्स ही गर्ल्स है, ये बॉयज का पार्ट है. सारे बाल स्ट्रेट होंगे अभी. जेल पैक बढ़िया न्यूज मिल सकती है हम लोगों को. बाल ऐसे ही रहें तो भैया ने कहा आप एक काम करो, खाना वाना खा लो, अभी कुछ मत करो, ना घुमाओ भी मत ना सीधे करो, अभी ऐसे रखते हैं. हाँ, वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है. तो अभी बस थोड़ी देर के अंदर शुरू होने वाला, भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है. तो हम एक काम करें, खाना ढूंढने जा रहे हैं अभी. अरे सबसे पहले ही पहुंच गए, क्या है खाने में? चिकन बिरयानी. चिकन बिरयानी पड़े हुए भाई, कहाँ पे है चिकन बिरयानी? ये आप वेजिटेरियन हो? ओके, नॉन वेज. यस, थैंक यू उज्जवल जी. अभी हमारे शो के लिए एक घंटा है. टाइम क्या हो अभी भाई? 8:45 हो रहे हैं, 15 मिनट. अच्छा, अभी पहला शो चल रहा है ये देखिए. जब ये ख़त्म होगा और वहाँ से टीम यहाँ आएगी, उसके बाद यहाँ स्टार्ट होगा. यानी वहाँ से टीम निकलेगी, आधा पौना घंटा तो नहीं लगेगा सेटअप करेंगे. बढ़िया सेटअप वेटअप करने में. तो इसलिए हम लोग अभी, अब हम लोगों को बहुत अच्छा रूम दिया गया है, सेपरेट अलग से रूम दिया गया 3 मॉडल्स के लिए. तो तीनों बैठे हुए, हमें ये भी कहा गया कि कुछ खाना पीना हो तो आप बस फोन नहीं है ज़रा, यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे आता जाता रहेगा, वो हमें पूछता रहेगा. सेंट्रल एसी भी देखिए, सेंट्रल एसी लगे हुए. लोग जा रहे हैं चेंज करने, हमें बोला गया कि चलो चलो जल्दी जल्दी भागो, चेंज करो, शो शुरू होने वाला है. ये हमारे भाई जी है, कई सालों से मिलते जा रहे हो. चेंजिंग चल रही है, सब चेंज कर रहे हैं गाइस. चलो यहाँ पे एसी नहीं चल रहा है क्या भाई? गर्मी लग रही है आपको दादा? हाँ जी, गर्मी लग रही है. इसका क्या करना, यहाँ पे एसी नहीं चल रहा शायद, इसलिए गर्मी लग रही है. गर्मी लग रही है आपको? एसी चल रहा है यहाँ पे, बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज एसी चल रहा है. और जी और कैसे हैं? जय हो मालिक. हाँ जी, हाँ जी, हमारे कपड़े कहाँ हैं जी? आपके कपड़े बैन को बैन बोल रहा भाई. पाजी पाजी बस रेडी हो चुके हैं, अब मैं फोन देने वाला हूँ हर्ष पाजी के पास. तो ये है अपना आज का लुक. भाई हमारे तैयार हो गए. हाँ जी भाजी. हाँ जी सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप? बोलना ये चाहते हैं कि बहुत मजा आ रहा है दिगांश भाई के साथ काम करके. यहाँ पे लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को. बहुत सारे भाई लोग हैं, आयुष भाई है यहाँ पे, सबसे सुपर मॉडल हमारे शिवम दुबे जी. प्लीज मीट मिस्टर दुबे. मुझे लग रहा है इनको गर्मी ज्यादा लग रही है. आनंद जी जी लो जी लो, अभी आता हूँ 2 मिनट. चल रहा है फैशन शो का शूट बैक स्टेज में. वैभव भाई पोजिंग करते हुए, क्या बात है. ये खड़े हैं टीटी सर और ये चल रहे हैं लाइन अप टाइम. ओह पकड़े गए. क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है. हाँ जी, ये उज्जवल ने प्रोफेशन चेंज कर दिया है, ये आजकल सबकी फोटोग्राफी करता है. ये फोटो का सिलसिला तो चलते ही रहेगा. अरे वापस आ गए भाई, खोल के रखते, गर्मी बहुत है, अभी शो शुरू होने में टाइम है. क्या टांग देना, क्या कह रहा है, क्या रह गए भैया? कुछ भूल गए आप? बहन का ब्लॉग है. मैंने एक मिनट मेरी बात सुना. हाँ बताइए. ये है बहुत तगड़ी भीड़ शो देखने के लिए. हो गया स्टार्ट और बैक स्टेज में मच गई है भीड़. हाँ जी भैया, क्या हाल है यहाँ के आज? बढ़िया बिल्कुल. ये आ गए हमारे संजीत भाई, लाइनअप के लिए जा रहे हैं. और ये आए दुबे भाई, ये यहाँ दबा के भीड़ लगी हुई है. आधे से ज्यादा लोग शो के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि शो हाउसफुल हो गया है. और ये गए हमारे वैभव भाई.
आज शो की एग्जिट हो रही है यहाँ से। गाइस हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। गाइस हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को कहा गया है आप ऐसे ही रहो, कपड़े चेंज नहीं करोगे शायद ये शो फिर से हो सकता है, दूसरी बार होगा शो फिर से हिस्ट्री में, पहली बार आज तक मैंने तो नहीं किया पिछले 7-8 साल में कभी भी, ये एक शो होने वाला है जिसमें हम दो बार चलेंगे सेम कपड़े के साथ। शो को पूरा उसी तरीके से स्टार्ट किया जाएगा जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, तो सब लोगों को बोला गया अभी रुको हो सकता है, ठीक है 100% चांसेस है कि नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम रुके तो हो सकता है कि बने रहिए बने रहिए, अभी जाना नहीं तो हो सकता है। वंस मोर लोग चिल्ला रहे हैं, आज से पहले किया था फर्स्ट टाइम, क्या डिमांड है एक और बार शो करने की डिमांड क्या है, अपने जितना भी आपका करियर था उसमें आपने दो बार एक शो किया नहीं कभी नहीं किया। दो शादीशुदा मॉडल आपस में वार्तालाप करते हुए कि जैसे ही शो खत्म हो हमें घर जाना है, एग्जैक्टली और लोग वेट कर रहे हैं। और हाँ जी क्या कहना चाहते हैं आप आज के बारे में, क्योंकि ये कहना चाहेंगे कि ओवर टाइम हो रहा है और ओवर टाइम में डबल पैसा मिलता है, डबल मतलब ट्रिपल मत करना। ओके लाइक दोबारा रिपीट हो रहा है शो हमारा, फर्स्ट टाइम या एक और बार नहीं, फर्स्ट टाइम आप कर चुके हैं, दूसरी बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है ना ये ऐसा एक शो दो बार, इतिहास में पहली बार, इतिहास में लिखा जाएगा ये, और बैंड ब्लॉग के चैनल पे ही आपको पता चलेगा कि दो बार शो हुआ। हम लोग यहाँ पे अभी रुके हुए हैं, अभी आपको इनको कहा गया है कि हाँ डबल ऐसा पैसा कहा मिलेगा, हाँ जी डबल पैसा मिलेगा, हाँ अरे राजा तीन बार करवा दो जैसा कि मैंने पहले बाहर दिखाया था कि भीड़ कितनी है, अच्छा ऑडियंस इतनी ज्यादा रखी है, बाहर इतनी भीड़ है, रजिस्ट्रेशन डेस्क तक इतने लोग बड़े हुए हैं। तो गाइस ये देखिए डिजाइनर की भी एक अच्छी बात है, डिजाइन हाँ जी बताइए, ये बंद नहीं होगा, आपने शो देखा नहीं देखा, देखा ओके फिर से हो रहा है, फाइनल कर दिया है कि दूसरी बार चलेंगे तो चल रहे हैं। इतना अच्छा आगे बोले कि दोबारा करके दिखा नहीं होता था, लेकिन ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये डिजाइनर की भी अच्छी बात है यार, उनके गेस्ट आए थे और वो अंदर एंटर नहीं हो पाए क्योंकि अंदर इतनी ज्यादा भीड़ थी और लोग इतने ज्यादा प्यार करते हैं उनसे, तो उन्हें देखने आए, तो जो कलेक्शन उन्होंने तैयार किया उसे देखने आए, तो फिर से दिखाएंगे कोई बात नहीं, हम चलेंगे उनके लिए। इतिहास में पहली बार स्टे ट्यून्ड ऑन बेंस यूट्यूब चैनल, मैं तो थक गया हूँ। तो गाइस अभी घर पहुंचा हूँ, 1:30 बज चुके हैं, तो मुझे अभी खाना ऑर्डर करना, मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है। और हाँ जैसा कि आपने देखा मैं कह रहा था लास्ट शो और मुझे शो के बीच में आज कल का जो ग्रैंड फिनाले होने वाला उसकी बुकिंग आ रखी है, तो अब आज अपनी विदाई नहीं थी तो कल भी ग्रैंड फिनाले कर रहा हूँ। बाकी आपने देखा शो जो हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ हिस्ट्री में दो बार हम लोगों ने वॉक की बैक टू बैक सेम आउटफिट में सेम डिजाइनर के लिए। तो चलो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।